अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आरिफ रमज़ान जतोई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ARJ। नाज़रीन, हसन स्क्वायर का इलाका है, इससे पहले भी मैं अपना वीलॉग बना चुका हूँ। तो सर्दियों की आमद जैसे होती है, कराची वालों के लिए मछली का रश ऐसे बढ़ जाता है जैसे ईद के मौके पर जानवरों और मवेशी मंडी के पर रश लग जाता है। तो मैन यूनिवर्सिटी रोड पर हसन स्क्वायर के पास सामने आपके जो है ये सिविक सेंटर है, उसके बिल्कुल मध्य मुकाबले में यहाँ पर काफ़ी सारे बैठे हुए हैं। जो फूड स्ट्रीट पूरी बनी हुई है तो यहाँ पर मछली वाले काफ़ी बैठे हुए हैं और लैंड से बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ 3-4-5 काफ़ी सारे पॉइंट हैं यहाँ पर। तो मैं हर दफ़ा एक नए पॉइंट पर आता हूँ और आपको मछली का दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये लोग मछली बना रहे हैं और फिशरी से यहाँ पर कितना डिफरेंट है, वो भी सारा यहाँ पर नज़र आता है। तो मैं इस वक्त आपको लेके आया हूँ यहाँ पर, और ये कल्चर फिश के नाम से एक पॉइंट है। तो इस वक्त हम ये भाई मौजूद हैं, भाई से तारों भी पूछेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे हर मछली का अलग अलग इन्होंने हमें बताना है कि किस तरीके से क्या क्या मछली है। भाई आपका नाम? कुर्बान। कुर्बान हमारे साथ है, कुर्बान बताइए ज़रा। ये मुश्का फिंगर है, पहला नंबर हमारे पास, ठीक है, 1000 रुपये किलो है। और लाहौरी बिस्किट है, सही, बेहतरीन खाने में, बहुत बेहतरीन जायके में से फ्राई में लाहौरी बिस्किट है। अच्छा अच्छा, एक मैं कुर्बान, मुझे एक बात बताइए, ये जो फिंगर होती है ना? जी, मैंने सुना है ये वो कोई मछली होती है जो मतलब मशकूक है, हराम है, उसका ये हकीकत है या झूठ? बिल्कुल होता है, बाहर होता है, मगर ये हमारे पास जो ना मुश्किल फिंगर है प्योर, हमारा 12 महीने का काम है, यानी कि 12 महीना। अच्छा। 12 महीने किसको बोलते हैं, यानी कि 12 महीने से सर्दियों से गर्मी में हमारा खुला रहता है अल्लाह के क्रम से। अच्छा। सही है, और हम एक लंबर चीज़ ही चलाते हैं, मुश्का फिंगर, सही है, ठीक है, ये मुश्का फिंगर है ये हमारे पास। बाकी लाहौरी बिस्किट है, हम डांगर के बनाते हैं फ्राई में, है इसी का बनाता हूँ, इसी का बिस्किट, और बहुत चलता है, बहुत जायके में, बहुत टेस्ट है माशाल्लाह, जो भी एक दफ़ा खाते हैं यानी कि बार बार खाते हैं इस चीज़ को, सही है। बाकी दूसरा नंबर पे ये रहा, तीसरा नंबर पे, यानी कि ये डांगरी बोलने से ग्रिल पे होता है, सही है, ग्रिल के लिए, ग्रिल फ्राई दोनों में अच्छी है, डांगरी है। अच्छा एक बात बताइए, ग्रिल अच्छी है या फ्राई? देखो ग्रिल, ग्रिल ज़्यादा अच्छी है, ग्रिल भी अच्छी है, फ्राई भी अच्छी है। फ्राई खाने वाला फ्राई खाता है, ग्रिल खाने वाला ग्रिल। स्पाइसी खाना हो तो आपको ग्रिल खाओ, अच्छा, हल्की से आप फ्राई के बाद स्पाइसी खाना होता है, डायरेक्ट खाना डायरेक्ट भी मिलेगा हमारे पास, सही है। और सबसे ज़्यादा और एक हीरा, ये जितना बड़ा होता है उतना जायके में अच्छा होता है हीरा, सही है, हीरे में बहुत अच्छा टेस्ट है ये रहा। और ये लाहौरी बिस्किट का ये रेट इसका 2000 रुपये केजी है, अभी अभी चल रहा है 2000 रुपये किलो। फिशरी से यहाँ पर कितना डिफरेंट है? फिशरी में यानी कि आप बनाने जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, इसके लिए तो हम लोगों ने एक बंदा अलग से, दो बंदा अलग से रखता हूँ फिशरी के माल इसका वो करने के लिए ना, तो ये तो बहुत टाइम, वो अलग हिसाब किताब होता है, वहाँ का अलग हिसाब करता है, यहाँ का अलग हिसाब किताब होता है फिशरी का। बाकी ये हम 2000 रुपये किलो है डांगरी है, 2000 रुपये किलो बोनलेस ग्रिल के लिए, और हीरा 1500 रुपये किलो है हीरा, सही है, और बाकी ईरानी पाउडर 1500 रुपये किलो है, सुरमा 1800 रुपये केजी है, ठीक है, सही है, ओके। और ये वाइट पापड़ है 2000 रुपये केजी है, और ये काला पापड़ है 1400 रुपये केजी है, ठीक है, सही है, रावा से 1400 रुपये केजी है, सही है, कुंदे 1400 रुपये केजी है। सुरमई कितना बता दिया? सुरमा 1800 ये वाला, ये हीरा 1500, हीरा थोड़ा, और ये डांगरी में डांगरी हीरा। अच्छा एक बात बताएं मुझे, ज़ाहिर वो आपने पहले भी बता दी है, सबसे बेस्ट मछली कौन है? सबसे बेस्ट होगा, सही है, डांगरी पहला नंबर, दूसरा नंबर हीरा, तीसरा नंबर ईरानी पापड़, चौथा नंबर है रावस, सही, पाँचवा नंबर है कुंद, और छठा नंबर अल्लाह वाला कर एक पापलेट, और लाहौरी बिस्किट आठवा, और झींगा, झींगा भी हमारे पास, और एक दंदिया 1400 रुपये केजी है, दोतर है 1400 रुपये किलो है, हीरा है 1400 रुपये किलो है, मुश्का है 1400 रुपये किलो है, और प्रॉन है 1800 रुपये किलो है, प्रॉन 1800 पहले था, अभी समझा अभी 2400 रुपये हो गया, 2400। अच्छा ये पंजाब में जो मछली जाती है यहाँ जी, कौन कौन सी जाती है पंजाब में? यहाँ पे ज़्यादातर वो खारे पानी का, वो मीठे पानी का जाता है ज़्यादातर से, मीठे पानी का भी होता है और खारे पानी का कम जाता है पंजाब में, खारे पानी का। मुझे ज़रा ये बताइए कि जो मछली हम फिशरी से लेते हैं कच्ची मछली होती है, मतलब बगैर फ्राई के, वो और यहाँ पर आप इसको बकायदा ये लगा के रखते हैं, इसमें क्या आप? वहाँ पे कच्ची ख़रीदारी वो होता है, उसका 2-3-4 ऑप्शन होता है, उसका एक तरह का ऑप्शन नहीं होता, ताज़ा पुराना का ऑप्शन अलग अलग होता है। कैसे पता चलता है ताज़ी? सुबह जाएगा थोड़ा सस्ता मिलता है, बाकी शाम जाओ। अच्छा, नहीं मछली ताज़ी है या बासी है? वो तो वो उसका पहचान होता है, बस ये ज़िंदा माल होना चाहिए इसका, जो है ना ये चीज़, ये ऐसा स्टील होगा, अच्छा इसी तरह खड़ा रहेगा, अगर ये समझो ये हो गया ना, ये पुराना हो गया ना, इसी तरह हो जाएगा ये, अगर मैं मसाला भी लगाऊँ ना चीज़ का, बस जो भी लगाऊँ ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा ये, अब इस तरह है ना ये, समझो ताज़ा ये, यानी जो मछली लेने जा रहा है ना उसका तरीकाकार समझ लें, समझ लो कि ये इस तरह, इसी तरह पकड़ना है, सही है,
इसको इसी तरह पकड़ के इसी तरह चेक करना है कि ये एक ही जगह पे खड़ा हुआ नहीं है। अगर ये ऐसा झुक गया तो समझो ये पुराना है। आंखों में कोई कहते हैं चमक होती है, वो क्या? आंखों में भी चमक होता है। ये आंख इसी वजह से हम लोग रखते हैं। देखो इसका आंख अभी तक चमक मार रहे हैं, इसका ताज़े का पहचान है। अगर ये पुराना होगा ना तो ब्लैक एकदम पूरा ब्लैक हो जाएगा। ये जो है ना इसका जो ये जो लगा हुआ है इसका जो साइड में वाइट सब वो एकदम काला हो जाएगा। ये पूरा काला फैल जाएगा, काला ये फैल जाएगा अगर पुराना होगा तो, समझ रहे हो? काला ये पूरा फैल जाएगा। अगर आप फिशरी चाहते हैं तो आपको सुबह निकलना पड़ता है या रात को जाना पड़ता है, काफ़ी मतलब ख्वारी तो है। अगर आपको एक चीज़ घर के गेट पे मिल रही है, दरवाजे पे मिल रही है, तो उसमें डिफरेंट तो होगा। दूसरा ये तैयार चीज़ मिल रही है, अगर आप खुद लेके आके बनाते हैं, हो सकता है आप इस तरीके में ना बना पाएँ, फ़र्क तो बहरहाल होता है। अगर आप कुछ लोगों को मैंने देखा वो कहते हैं जी फिशरी से जाके लो फिर बनाओ, तो अगर कोई इतना ख्वारी कर लेता है तो ज़ाहिर कोई मसला नहीं है, वो कर भी सकता है और उसको सस्ती भी पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप घर पे ला के देते हैं तो आपको उसका थोड़ा सा कीमत ज़्यादा पड़ जाती है। और ये जेरे का झींगा हमारे पास ये प्योर जेरे का होता है, सही? हम जेरे वाला चलाते हैं, ये हमारे पास 2400 रुपये किलो, 600 रुपये पाव यानी कि ये पिंग वगैरह नहीं, जेरे का बहुत बेहतरीन झींगा। एक दफ़ा एक बंदा अगर एक पाव खा ले ना, बड़े वाला बड़ा 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 छोटा दोनों मिला हुआ है यानी इसमें ज़्यादा छोटा भी नहीं है, दरमियान इसमें बड़ा भी है छोटा भी दोनों मिला हुआ। तो बाकी झींगा एक दफ़ा अगर एक बंदा एक पाव खा लेना, एक पाव घर के लिए पार्सल करे, ऐसा झींगा चीज़ मतलब हमें खिला रहे हैं, इसका मतलब है भाई ऑफर मिल रही है हमें। ऑफर तो है। अच्छा, अगर हमारे तवसल से आप लोग आते हैं तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ डिफरेंट करेंगे, थोड़ा कमी करेंगे। बिल्कुल हाँ, कमी हो जाएगा कुछ आपके इनके न्यूज़ से। जो आप आएंगे ना, आप जारी बात बोलेंगे कि हम इनको न्यूज़ दे के आए, तो आपके लिए इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ मैं कर देंगे। चलें जी, अगर आप आके बताते हैं जी ARJ चैनल पे हमने आपकी वीडियो देखी थी और आए हैं, तो ये आपको डिस्काउंट देंगे। हाँ बोलो कुर्बान भाई। अच्छा चलो कुर्बान भाई, अब दूसरा मेरा आखिरी क्वेश्चन जो आपसे हुई है कि आपने मुझे कीमतें बता दी इन सब की ना, इसकी रेसिपी ज़रा बताएं। रेसिपी तो इसमें बहुत सारे रेसिपी, यानी कि इसका शेव अलग से रखा हूँ, इसका शेव है माशाल्लाह। वो रेसिपी जो ना 20-22 मसाला एक साथ ला के मिला के फिर इसमें खर्चा बहुत करके वो खुद बना लेते, मगर है माशाल्लाह मसाला ये कि समझ लो अच्छा बनाता हूँ घर का। अगर मुख्तसर बता दें मिसाले से जी, मुख्तसर बता दें कि क्या, यानी कि धनिया पाउडर और अदरक लहसुन पिसा हुआ इस तरह का से, और मच्छी मसाला उसमें जो है ना, और भी मतलब और भी बहुत सारा मसाला होता है, गरम मसाला समझो है भी जो भी हो भी, सबसे बेहतरीन में से मसाला जो है ना इसमें मिलाना जाता है। कितना टाइम रखना चाहिए ये तो हमारे पास पहले, यानी कि इसको जो ना फिर मछलियाँ हम जब लगाते हैं आधा एक घंटा जो ना अपने पास रख के, फिर इसको बाहर निकाल के इसमें मसाला जब फुल लग जाता तो फिर हम इसको बाहर आगे शो पर आगे लेके आता हूँ, फिर इसमें यहाँ पे लगा। घर में अगर कोई मछली बनाता है तो उसको कम से कम आधा घंटा 20 मिनट आप उसको टाइम दे दो मसाला लगा के, ऐसा ही जो ना आप शॉर्टकट फ्राई नहीं करो फिर मछली का जो मज़ा है वो ले नहीं पाओगे आप। अच्छा ये जो शान मसाला नेशनल मसाला है ये मार्केट में बने बनाए मसाले, इसका उसमें यानी कि वो भी आप उठाओगे तो अगर घर में बनाओगे तो ना वो मसाला लेने के बाद अपना हाथ का मसाला भी आपको डालना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप शान मसाले से काम चले, उसमें अपना मजीद मसाला भी होना चाहिए। अच्छा भाई मुझे आज इन्होंने बताया, ये बात मुझे समझ आई है, मैं कहता था हमारे घर में मछली बनती है इतनी मज़े की क्यों नहीं बनती, तो ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि आप हाली जो ना शान मसाला डाल के तो दुरुस्त नहीं बनता, आपको अपना हाथ का मसाला भी डालना चाहिए फिर आपको जाएगा अच्छा बनेगा। ये उन खवातीन के लिए खास पैगाम है भाई, अपने घर पे मेहनत करें, अपना हाथ का मसाला भी आप उसमें मिलाओ, हल्दी मिलाओ वो वगैरह जो ना गरम मसाला मिलाओ आप जो ना उसमें जो मर्जी हो आपको जो अच्छा लगता है उसमें आप मिला दो, फिर आपको टेस्ट आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ है, क्या चीज़ क्या कम है, इसी तरह आपको कुछ समझ में आ जाएगा इसी तरह ये चीज़। यानी सारी बातें हमने पूछ ली हैं आपको, लोकेशन मैंने बता दी है हसन स्क्वायर है, और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको ये कल्चर फिश वाले जो है ना इनका ये स्टॉल लगा हुआ काफ़ी बड़ा है, मैं तो कहता हूँ आपको नज़र ही यहीं आएगा सामने, और कोई है ही नहीं यहाँ पर खास, आप पूरा यानी कि सबसे बड़ा सेटअप हमारा है माशाल्लाह, आपको नज़र आ जाएगा, आप जितना आगे जाओगे कल्चर फिश आपको माशाल्लाह नज़र आ जाएगा। चलें जी, अगर आप यहाँ पर आते हैं आप यहाँ से भी पार्किंग भी है माशाल्लाह, इतना बड़ा पार्किंग भी है यहाँ पे भी, जहाँ सीटिंग का बताइए, सेटिंग एयर आप सेटिंग आउट आप देख लीजिए, सेटिंग वाला एयर है यहाँ पे सारा माशाल्लाह, वो दिखाएंगे अगर आपको तो 300-350 बंदे का आराम से माशाल्लाह बैठने का सिस्टम है हमारे पास। फैमिली कोई पर्दे में अगर फैमिली वाला भी हमारा दूसरा ब्रांच भी है उसमें भी माशाल्लाह, दूसरा ब्रांच के लिए फैमिली के लिए बनाया हुआ हम लोगों ने, इसी कोई बात नहीं, वो आप फैमिली के लिए माशाल्लाह, आप अगर कोई एतराज़ करे कि हम इस इधर नहीं बैठते हम आगे बैठने चाहते हो, हम इनके लिए फैमिली के लिए जगह भी है मस्जिद, इसी कोई बात नहीं, हाल बोलना चाहिए मगर है फैमिली का जहाँ हमें यहाँ पर नहीं बैठना, हमें फैमिली वाला जगह उनको बिठा देंगे, इसी कोई बात नहीं। बिल्कुल ये बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान भाई, आपने बड़ी तफसील से ये चीज़ें बताई हैं। नाज़रीन अगर आप अपने तौर पर मछली बनाना चाहते हैं घर में तो रेसिपी आपको बता दी, वो कर सकते हैं ट्राई,
और अगर आप यहाँ पर आते हैं, चूँकि इसमें आउटिंग भी हो जाती है, मछली भी हो जाती है, ज़रा बाहर का माहौल भी आप देख लेते हैं, और ठंडे में आके गर्म चीज़ खाने का तो अपना ही मज़ा है। तो आप ज़रूर यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं आकर के। आप तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पर बैठे हैं, अपने बच्चों को लेके हैं। मैं ख़ास तौर पर कहता हूँ, हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में लाजमी तौर पर अपने बच्चों के साथ बाहर निकलें, उनको वक्त दें और उनकी ज़िम्मेदारियों को समझें। ये ख़ास तौर पर मेरे जैसे जो ऑफिस के लोग हैं उनके लिए ये ख़ास पैगाम है कि आप लाजमी निकला करें। बिल्कुल, इंशाल्लाह आप आओ, इंशाल्लाह आप लोग आओ। माशाल्लाह आप लोगों के लिए माशाल्लाह जगह हमारा पास बना हुआ है अल्लाह के फजल करम से। फैमिली का भी है जगह और माशाल्लाह जेज़ों का भी है, सबका जगह है इंशाल्लाह। माशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, हफ्ते इतवार को भी रश होता है माशाल्लाह। जब भी आओ इंशाल्लाह आप पूछोगे जगह बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, जगह हमारे पास दो जगह है यानी। तो आज ही वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हफ्ते और एतवार के लिए, ताकि आप लोग यहाँ पर आएँ। हफ्ते इतवार को रश, जुम्मा हफ्ता इतवार तीन दिन काफ़ी रश होता है, फिर भी आप आओ इंशाल्लाह, आपको अच्छी से सेटअप हम देंगे कल्चर विश में इंशाल्लाह, कल्चर विश। चलें जी, बहुत शुक्रिया कुरबान भाई, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने ये वीडियो देखा तो जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पेज को फॉलो करो भाई। हम कह रहे हैं सब्सक्राइब करना। चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।